लुधियाना दे विच अज गुरप्रीत घुग्गी पहुँचे ने पंजाबी फिल्म दे विच उन्हां ने अलग धूम मचाई और तुहानू दस दिए कि अज वो साडे नाल अपने दिल दीआं गल्लां सांझीआं करनगे। आओ जाणदे हां गुरप्रीत घुग्गी तो किस तरह के उन्हां दे विचार ने और राजनीति दे विच उन्हां दा किस तरह का एक्सपीरियंस रहा उहदे बारे भी इन्हां तो जानने की कोशिश करते हैं। देखिए ये जब बनेगी तो मैं तब खुशी पूरी जाहिर करूंगा, लेकिन क्योंकि बड़े सालों से ये मामला जो लटकता आ रहा है और मैं भी जब अभी फिल्मों में नहीं आया था तब से सुन रहा हूँ कि फिल्म सिटी बनेगी, है ना जी। तो ये ऐसी चीज है जब बन जाएगी तो बहुत ज्यादा खुशी जाहिर करेंगे और डेफिनेटली अगर ये बनती है तो पंजाबी सिनेमा को एक नया आयाम तो जरूर देगी और पंजाबी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसको बहुत बड़ा बना देगी। इससे ज्यादा दुखद घटना हमारे पिछले साल की रही और लोगों ने मतलब ऐसे घरों में मातम मनाया जिससे घर से ही चला जाता है, तो मुझे इस बात की जहाँ इतनी पीड़ा है, इतना अफसोस है कि उनके मदर फादर ने क्या खो दिया है ये उनको पता है या जो इस दर्द को समझ सकते हैं उनको पता है, लेकिन इस चीज़ के लिए मुझे खुशी भी है कि उन्होंने संभाला कितने अच्छे से अपने आप को और वो अपने उस होनहार बच्चे के इंसाफ के लिए कंटिन्यूसली स्ट्रगल कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जितना आवाम जितनी मोहब्बत लोगों की उनके साथ है तो बहुत जल्दी उनको इंसाफ मिलेगा और मिलना भी चाहिए। इतनी बड़ी ज्यादती हो जाए, इतना बड़ा दुखांत हो जाए किसी परिवार के नाते उन्होंने इंसाफ लिए भी खजल होना पवे, यह सितम दर सितम है, ये नहीं होना चाहिए। सो साडिया सारिया दिया गुड विशेज और अरदासा परमात्मा अगे कि वो पेरेंट्स न उन्होंने बच्चा तो वापस नहीं मिल सकता, इंसाफ जरूर मिले। देखिए आप यहाँ पे थोड़ा गलत सोच रहे हैं, मैंने आप नहीं छोड़ी थी, मैंने पॉलिटिक्स छोड़ी थी। अगर मैं पॉलिटिक्स में रहता फिर आप छोड़ के मैं कहीं और चला जाता, तो मुझे उस टाइम पे लगा कि ये मेरे अभी बस की बात नहीं है, क्योंकि मैं जहाँ अपने आप को फिट उतना महसूस नहीं करता था तो मुझे वहाँ से फिट और क्विट ना एक चीज़ होनी चाहिए थी, तो मैंने क्विट किया। तो मैं पंजाबी इंडस्ट्री को बहुत प्यार करता हूँ, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री को, तो मैं उसमें अपना बेस्ट दे रहा हूँ और जब टाइम आएगा जब मुझे सही लगेगा तो मैं जब फिट अपने आप को महसूस करूँगा डेफिनेटली। पॉलिटिक्स एक अच्छी चीज़ है अगर अच्छे ढंग से की जाए, पॉलिटिक्स बुरी चीज़ नहीं है, बुरे ढंग से होती है तो ये बुरी हो जाती है। आई विल ज्वाइन पॉलिटिक्स I can, not will join, but I can. मैं पॉसिबिलिटीज में रखता हूँ, लेकिन कभी भी सही टाइम पे ये चीज़ डिसीजन लिया जाएगा। देखिए उनको लोगों ने इतना बड़ा मैंडेट दिया है और दे आर ट्राइंग टू डू देयर बेस्ट, तो जैसे वो खुद कहते हैं कि हमें अभी समय दो, सानू टाइम दो, असी करके दिखावांगे। तो पहले 6 महीने की गल चल रही थी, हुण उन्होंने कहा कि सानू अजे 10 महीने। लोगों का पेशेंस लेवल खोना भी बड़ा एक नेचुरल बात है, क्योंकि लोग जब किसी को ट्रस्ट करके लाते हैं, जैसे शादी होती है बेटे की तो ये तो कहते हैं कि अभी बच्ची खुली नहीं है, 2-4 दिन इसको तो सबके साथ फैमिलियर हो जाए, वो 6 महीने हो गए बात ही नहीं करी किसी के साथ, कहते हैं सुबह आई माड़ा है ना, लोग पेशेंट जाते हैं। सो ये गल है कि लोगों ने पेशेंस रखे ने, पर मैं चाहूँगा कि जे पार्टी चाहती कि थोड़े होर पेशेंस रखो तो होर रखने चाहिए ने, लैट सी के वो तुहाडे लई बेस्ट की कर। नहीं मैं ये नहीं कहूँगा कि सड़कें टूट गई हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो गया, ये खराब ही था, लोगों को उम्मीद थी कि अब ठीक होगा, वो नहीं हो रहा अभी, वो हो जाना चाहिए, लोगों की उम्मीदों पे पूरा उतरना चाहिए। और लोगों ने चेहरे भी नहीं देखे जिनको वोट डाले ना, लोगों ने तो ये कहा कि नहीं चेंज लाना है, बदलाव लाना है, कई लोगों को तो पता ही नहीं था हमारे इलाके से खड़ा कौन है, तो उन्होंने कहा नहीं बस एक नई पार्टी है इसको मौका देना है। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा एक विश्वास है लोगों ने जो दिखाया, तो उस पर इनको और काम करना चाहिए। तो मेरे से ज्यादा तो कुंवर विजय प्रताप जी उनको ये याद दिलाते हैं, तो मैं तो आपके माध्यम से क्या याद दिला पाऊंगा उनको, क्या आप इंसाफ दीजिए। मुझे लगता है कुंवर विजय प्रताप सिंह और उनके जो और एक दो साथी हैं वो रोज सरकार को याद दिला रहे हैं और मुझे लगता है कि जरूर इस पर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़े अहदे से इस्तीफा दिया कुंवर साहब ने और वो इसी उम्मीद में दिया होगा कि हम इस चीज़ को किसी हद तक लेके जाएंगे। तो मैं उनके लिए दुआ गो हूँ, विजय कुंवर विजय प्रताप जी के लिए मेरी दुआ है, अरदास है कि उनकी भावनाओं को जरूर एक दिन भूल पड़े और जो इतनी बड़ी बेअदबी जिसने करोड़ों दिलों को छलनी करके रख दिया और उसके बाद वो जो कांड हुआ गोली कांड, तो लोगों के मन में वो पीड़ा जा ही नहीं रही है, वो कैसे जाएगी। अपना तो लोग दर्द झेल लेते हैं लेकिन लोगों को श्री गुरु ग्रंथ साहब का दर्द लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे,
इतने इतने बड़े जेनोसाइड हुए, लोग वो भी बर्दाश्त कर गए, इतने कत्लों गारत हुई लोग बर्दाश्त कर गए, लेकिन अपने गुरु साहब की बेअदबी मुझे लगता नहीं है लोग कभी भूल पाएंगे या बर्दाश्त कर पाएंगे। तो जितनी जल्दी इंसाफ हो जाएगा उतनी जल्दी मुझे लगता है पंजाब की बेहतरी में होगा। साढ़े नाल गुरप्रीत घुग्गी, तो तुहानूं इह वी दस दईए कि गुरप्रीत घुग्गी जी वल्लों सीधा सीधा कहा गया है कि वह हुण जल्द जिहड़ी है राजनीति दे विच वापसी भी कर सकते हैं, और ये नाल नाल उन्होंने आम आदमी पार्टी नू कई तरह के अपने विचार भी है उन्होंने उन्होंने दिते ने। तो हुण देखण वाली गल है कि आने वाले समय के गुरप्रीत घुग्गी कदों जिहड़े हैगे ने अपना राजनीति दे विच दुबारा वापसी कर सकते हैं। लुधियाणा तो अभिषेक बहल, फैक्ट न्यूज़।